नमस्कार सभी मित्रों को, सभी दगड़ियों को। आज हम बनाएंगे दोस्तों दाल चावल और चावल की रोटी का फुल रेसिपी, फुल ब्लॉग सुबह से लेके। सबसे पहले तो कटिंग कर लेते हैं, ये देख लीजिए शानदार रेसिपी, जानदार टेस्ट। और ये चूल्हा चढ़ गया और हमारा टमाटर और उसकी कटिंग हो चुकी है दोस्तों। और सबसे पहले हम दाल को धो लेते हैं, साथ में सोयाबीन की दाल और दाल मिक्स बनेगा दोस्तों, देख सकते हो। दाल हमारी चढ़ चुकी है और इसमें नमक हल्दी मिर्ची डाल दिया। इसको सबसे पहले तो एक सीटी लगाएंगे और ये लो चूल्हा जल गया हमारा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक चूल्हे वाली रेसिपी है, तो आप दे सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाए दोस्तों, ताकि जो हमारा अगला रेसिपी, अगला ब्लॉग है, आप तक पहुँच सके। ये देख सकते हो प्रेशर कुकर चढ़ चुका और इसमें हमारी दाल रेडी हो रही दोस्तों। एक सीटी आने के बाद उसके बाद हम चावल दूसरी तरफ चढ़ाएंगे दोस्तों। ये देखिए आपको दिखा देते, चावल की धुलाई कर लेते। सबसे पहले दाल चावल और साथ में चूल्हे वाले चावल की रोटियां बनाई जाएगी, आपको दिखाया जाएगा पूरा स्टेप, पूरा रेसिपी। और आप भी शेयर ज़रूर करिएगा चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ये देख सकते हो और इसमें दाल हमारी रेडी हो चुकी है। एक सीटी लगने के बाद आपको दिखा देते हैं इधर, और चावल हमारा बन के तैयार हो गया दोस्तों, रेडी हो गया। ये देख सकते हो, इसको अच्छे से पलटे से पलटा लेते हैं ताकि ऊपर नीचे होके पूरा चावल बराबर हो जाए दोस्तों। और ये देखिए तेल चढ़ा दिया है पतीले में और लहसुन डाल दिया। लहसुन के बाद इसमें टमाटर डालेंगे, जो हमने बारीक खट्टे वाले टमाटर है वो डाल दिया। और इसमें हल्दी मिर्ची नमक डाल के अच्छा सा जायका लगाया जाएगा, देख सकते हो। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, यूनिक वर्जन है, यूनिक रेसिपी, और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। ये देख सकते हो दाल हमने पलटी मार दिया, तो इसके बाद पूरी दाल में तड़का लग चुका है हमारा, रेडी हो चुका है दाल चावल। अब इसके बाद आपको दिखाएंगे चावल की रोटी बनाई जाएंगी गर्मा गर्म और परोसी जाएंगी दोस्तों। देख सकते हो ये रहे हमारे तवे में चावल का आटा डाल के बनाई जाती है, और उसको चारों तरफ से घुमा लिया जाता है, और उसके बाद इसको स्लो फायर में पकाया जाएगा, देख सकते हो। ये देखिए आज एकदम पूरे पतीले तवे में बराबर होनी चाहिए, तब जाके हमारी चावल की रोटी तैयार होती है दोस्तों। होममेड रेसिपी है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, देख सकते हो। शाम का समय है, सुबह हमने दाल चावल बनाया, तो शाम को चावल की रोटी और साथ में सब्जी दोस्तों, सर्विंग होगा, फुल इन्जॉय होगा, देख सकते हो। इधर चावल की रोटी तैयार हो रही है, इसमें बटर, घी आप कुछ भी लगा सकते हो, तेल भी लगा सकते हो। ये देखिए तैयारी पूरी चल रही है और आग देख सकते हो बहुत अच्छी जली हुई है, और ये हमारा चावल की रोटी तैयार हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ये देख सकते हो बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी है, शानदार होममेड रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा राजपुरा खजाना में दोस्तों। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये लो रोटी धीरे धीरे तैयार हो रही है, जितना भी है एक एक करके बनाई जाएंगी और परोसी जाएंगी, खाई जाएगी दोस्तों गर्मा गर्म, देख सकते हो। ये रहा दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो रही है, आप भी देख सकते हो। ये लीजिए आग भी बहुत अच्छा जला हुआ, बिल्कुल चारों तरफ बराबर आँच में पकाया जा रही रोटी, देख सकते हो, आप भी इंजॉय कर सकते हो। और ये रहा हमारी चपातियाँ तैयार हो रही दोस्तों, देख लीजिए बिल्कुल शानदार रेसिपी, जानदार टेस्टी के साथ। राज बोरा हमेशा की तरह आपके लिए लाए हैं बिल्कुल चूल्हे वाली ऑथेंटिक रेसिपी, ये देख सकते हो। अब तवे को साफ किया जाएगा, उसके बाद इसमें फिर से बनाया जाएगा उसी तरीके से, उसी प्रणाली से, देख सकते हो। ये रहे हमारे दूसरी, तीसरी, चौथी और पूरा जितनी भी रोटी है ऐसी बनाया जाएगा, साथ में सब्जी है छाछ डाल के कद्दू की दोस्तों, ये देख सकते हो कद्दू की सब्जी के साथ चावल की रोटी परोसी जाएंगी, तो आप भी इंजॉय कर सकते हो। ये देख सकते हो रोटियां हमारी तैयार हो रही बिल्कुल, अब इसको परोसा जाएगा। और आप भी ईटिंग चैलेंज शो है जो आज का, तो जो दिन भर का ब्लॉग था, हमने पूरा रेसिपी, पूरा ब्लॉग तैयार किया। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों को।